ये भी एक स्पोर्ट है, इसमें आप लोग किक कर सकते हो, आप लोग एल्बो थ्रो कर सकते हो, आप लोग नी मार सकते हो किसी को भी, और इसमें शिन यूज कर सकते हो। शिन आपके नी के नीचे जो आगे के साइड में आपका जो एक पॉइंटेड जगह है, देखो गाइस पॉइंटेड जो बोन है ना गाइस, वो बहुत स्ट्रांग है। हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रतीक एंड वेलकम टू माय चैनल ग्रैटम। तो गाइस आज का टॉपिक है मिक्स मार्शल आर्ट्स। गाइस तो कैसा है कि इंडिया में अभी और 5 साल लगेगा गाइस एमएमए का, जो भी इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं किया है एमएमए ने, लेकिन अभी बहुत ज्यादा कर रहा, बहुत ज्यादा आगे आ रहा है एमएमए इंडिया में भी। तो मेरे को बात करना है गाइस, मैं पर्सनली मेरे को फिलहाल कोई भी स्पोर्ट, मतलब आई एम नॉट क्रेजी अबाउट एनी स्पोर्ट, एक ही स्पोर्ट है जिसके पीछे मैं बहुत ज्यादा पागल हूँ गाइस, वो है एमएमए मिक्स मार्शल आर्ट। तो एक 2 से 3 साल पहले तक गाइस मेरे को पता नहीं था एमएमए क्या है। तो एक मैच हुआ था बहुत बड़ा गाइस, कॉनर मैग्रेगर और फ्लॉयड मेवेदर का एक बॉक्सिंग मैच हुआ था। वो मैच देख के मेरे को मतलब मन किया कि मेरे को बॉक्सिंग सीखना चाहिए। तो मैंने ढूंढा बहुत जगह पर, ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ मैच देख के गाइस, मैं कैसा था कि मैं पहले भी मतलब स्कूल में कॉलेज में बहुत ज्यादा मतलब मेरा स्ट्रीट फाइट वगैरह होने का तो था पहले से, मतलब थोड़ा बहुत तो कीड़ा था फाइट का, तो ऐसा था। तो मैंने वो फाइट गेम देखा तो मैं बहुत ज्यादा मतलब इंसेंस हो गया, और मैं ढूंढने लगा कि मेरा बॉक्सिंग के लिए कोई कोच है क्या मेरे आजू बाजू में जहाँ पे मैं रहता हूँ। तो मेरे को नहीं मिला कोई भी कोच बॉक्सिंग के लिए, और मैं बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट हूँ अब जब मैं सोचता हूँ कि मेरे को नहीं मिला, क्योंकि मेरे को और भी एक दूसरा स्पोर्ट का कोच मिल गया गाइस, एमएमए का कोच मिक्स मार्शल आर्ट्स का। तो उनका नाम है माइकल परेरा, मैंने बहुत ज्यादा बार उनको उनका नाम लिया है। तो उनके वजह से वो एक टर्निंग पॉइंट था गाइस मेरा, मैं इंजीनियरिंग का सेकेंड ईयर हो गया था मेरा, जस्ट थर्ड ईयर के लिए एडमिशन ले रहे थे हम लोग। तो तभी मैंने मेरे को मैं उनसे मिला और उनसे बातचीत की और फिर मैंने एडमिशन ले लिया। तो उसके बाद गाइस मेरा टर्निंग पॉइंट था इन केस फिटनेस के मामले में। गाइस मैं बहुत ज्यादा ओवरवेट तो नहीं था, लेकिन फिटनेस कहीं पे भी दूर दूर तक मेरा कुछ संबंध नहीं था फिटनेस को लेके, मेरा स्टेमिना भी बहुत ज्यादा कम था। और एमएमए ने मेरे को डिसिप्लिन सिखाया गया। हम लोग सुनते हैं बहुत जगह पे कि डिसिप्लिन पंचुअल रहना चाहिए, बी पंचुअल बी डिसिप्लिन, लेकिन कभी मैंने देखा नहीं था, हवा हवा में सुना था खाली डिसिप्लिन। तो मैंने वहां पे जाके देखा गया इसकी क्या रहता है, कंसिस्टेंसी क्या रहता है, ये एक स्पोर्ट में कैसे है। सिर्फ फाइटिंग वाला स्पोर्ट नहीं है गाइस एमएमए या फिर बॉक्सिंग जो भी है, इसके लिए हम लोग बहुत ज्यादा ओपोनेंट का रेस्पेक्ट करते हैं, जब फाइट के टाइम पे फाइट होता है और फिर उसके बाद में बाहर आके हम लोग हक भी करते हैं कभी एक दूसरे को, और फिर रेस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे को बहुत ज्यादा। तो ये एक प्रॉपर स्पोर्ट है गाइस, ऐसा स्ट्रीट फाइट नहीं है। लोगों को लगता है कि स्ट्रीट फाइट है, ऐसा नहीं है, इसमें भी प्रॉपर रूल्स है, रेगुलेशंस है, अपने को फॉलो करना पड़ता है हर चीज। तो 2 से 3 साल मैं था उनके अंडर में, वो मेरे कोच थे, तो मैंने बहुत ज्यादा सीखा है। तो आज मैं आप लोगों को गाइस मिक्स मार्शल आर्ट्स क्या है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा जितना हो सके ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बनाने का कारण कुछ और है, ठीक है। लेकिन उससे पहले बता देता हूँ गाइस, ये एमएमए बोलते हैं इसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, फुल फॉर्म है मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स। तो मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स क्यों बोलते हैं गाइस इसको, क्योंकि सबसे पहले बॉक्सिंग, तो आपको सबको पता रहेगा कि बॉक्सिंग क्या है, बॉक्सिंग सिर्फ स्टैंड अप गेम रहता है गाइस, स्टैंड अप, जिसमें हम लोग जैब थ्रो करते हैं, क्रॉस थ्रो करते हैं, अपर कट थ्रो करते हैं चेस्ट में या फिर फेस में, या फिर ये हुक थ्रो करते हैं। तो स्टैंड अप में जो भी आपको करना है, जैब क्रॉस हुक अपर कट जो भी है, लेकिन आप बॉक्सिंग में नी अपना एल्बो यूज नहीं कर सकते हो, आप लोग ग्रैब नहीं कर सकते हो सामने वाले को। जब भी कोई अपोनेंट एक दूसरे को ग्रैब करता है अपने हाथ से, तो आप लोग ने देखा रहेगा रेफरी आके रोकता है। तो बॉक्सिंग में सिर्फ आपको पंचस करना है, सिर्फ पंचस अलाउड है बॉक्सिंग में। और लेकिन मार्शल आर्ट्स मिक्स मार्शल आर्ट क्यों बोलते हैं गाइस, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है, हर एक 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 स्पोर्ट का कॉम्बिनेशन है। तो एक तो बॉक्सिंग आ गया, उसमें आप पंचस तो थ्रो ही कर सकते हो एमएमए में, लेकिन बॉक्सिंग में आप सब कुछ नहीं करते, सिर्फ पंचस कर सकते हो। तो बॉक्सिंग के साथ साथ आप किक बॉक्सिंग, आप पंचस के साथ साथ आप किक भी लैंड कर सकते हो गाइस, आप हेड किक थ्रो कर सकते हो, आप लोग अलग अलग मतलब अलग अलग तरीके के किक है, तो आप किक कर सकते हो। आप एमएमए तो मैंने बता दिया, एमएमए मिक्स है सबका। तो जिजुत्सु करके भी है इसमें एक एमएमए में, तो जिजुत्सु एक
इसमें भी दो तरह की जिजुत्सु, एक ब्राजीलियन जिजुत्सु है, एक और है, मतलब अलग अलग पार्ट में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, ज्यादा नहीं, पार्ट ऑफ द कंट्री। तो जिजुत्सु मैं जो जिजुत्सु जानता हूँ वो ब्राजीलियन जिजुत्सु जानता हूँ, तो मेरे कोच मेरे को ब्राजीलियन जिजुत्सु सिखाए थे। तो जिजुत्सु ग्राउंड गेम है बेसिकली, मतलब जब बॉक्सिंग करते रहते हो आप लोग स्टैंड अप में, और बहुत एमएमए में इंसान ग्राउंड में भी जाता है, टेक डाउन लेके हम लोग ग्राउंड में जाते हैं, फिर ग्राउंड गेम जो रहता है ना उसको बोलते हैं जिजुत्सु। तो जिजुत्सु में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रोलिंग करते हैं, हम लोग बहुत अलग अलग सबमिशन देते हैं, लॉक करते हैं, टैप आउट बोलते हैं ना, वो गाइस जिजुत्सु में ही होता है। अपनी जिजुत्सु में जिजुत्सु का प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, जो भी टेक्निक्स है जिजुत्सु का वो यूज करके हम लोग सबमिशन वगैरह करते हैं, अलग अलग रोलिंग होता है गाइस जिजुत्सु में। ये कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है, जितना ज्यादा मतलब स्क्वीज करोगे ना आप ओपोनेंट को, जितना ज्यादा कॉन्टैक्ट में रहोगे, जितना ज्यादा टच करके उसके साथ स्पोर्ट ये प्रैक्टिस करोगे जिजुत्सु, उतना ही अच्छा प्रैक्टिस करोगे जिजुत्सु और उतना ही बेटर करोगे मतलब। और जिजुत्सु गाइस इसमें ब्रेन का डेवलपमेंट अलग लेवल में, एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ गाइस, हम लोग एक फॉर एग्जांपल एक आयरन शर्ट है, आयरन किया आपने शर्ट को और उसको फोल्ड करना है, तो उसको कम से कम 5 से 6 फोल्ड कर देना हम लोग गाइस, उसी तरह हम लोग जिजुत्सु में ना बॉडी हम लोग का एक कपड़े की तरह रहता है गाइस, एक शर्ट की तरह हम लोग अपने बॉडी को फोल्ड करते, फोल्ड पे फोल्ड और छोटा फोल्ड और छोटा फोल्ड, तो हम लोग पूरा स्क्वीज करते हैं गाइस अलग अलग सबमिशन। तो आप लोग जब एमएमए देखोगे, मार्शल आर्ट देखोगे, तो आपको समझ जाएगा, या फिर यूट्यूब पे भी आपको समझ जाएगा कि क्या रहता है, रोलिंग करते हैं हम लोग एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। और रेसलिंग तो गाइस इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस ही है, आपको पता है। और मोथाई ये गाइस इसमें क्या होता है, इसमें आप लोग मोथाई में आप लोग किक कर सकते हो, ये भी एक स्पोर्ट है, इसमें आप लोग किक कर सकते हो, आप लोग एल्बो थ्रो कर सकते हो, आप लोग नी मार सकते हो किसी को भी, और इसमें शिन यूज कर सकते हो, शिन आपके नी के नीचे जो आगे के साइड में आपका जो एक पॉइंटेड जगह है, देखो गाइस पॉइंटेड जो बोन है ना गाइस वो बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत अलग लेवल पे, उसमें हम लोग का कंडीशनिंग होता था जिम में, स्टूडियो में, जो भी बॉक्सिंग का स्टूडियो है वहां पे हम लोग का कंडीशनिंग होता था। तो गाइस जब शिन से कोई किक थ्रो करता ना पूरा हिप टर्न करके, तो ऐसा लगता है गाइस कि मतलब कोई नाइफ से आपको मार, नाइफ से कोई ऐसा वार कर रहा है ऐसा लगेगा आपको गाइस जब आप फील करोगे, लेकिन बाद में हम लोग आदत हो गया था वो चीज का। तो यही सब है गाइस, लेकिन मैं आज आपको मिक्स मार्शल आर्ट्स क्या है ये बोलने के लिए मेरा मेन मोटिव नहीं था वीडियो बनाने का। तो कैसा है गाइस, एक बार आप लोग ने बॉक्सिंग देखने के बाद में एक बार आप लोग ने एमएमए देख लिया ना, एमएमए का सबसे बेस्ट जो कंपनी मैं बोलता हूँ वो है यूएफसी, बेस्ट नहीं बोलूंगा, जो मैं देखता हूँ और जो पीक में है अभी, राइट। उसके बाद में वन चैंपियनशिप भी है, ऐसा नहीं है, बेलाटोर भी है, ये सब अलग अलग ये है ऑर्गेनाइजेशन है, तो यूएफसी इज वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके जो ये है अभी, उसके जो प्रेसिडेंट है वो है डेना वाइट। तो एक लौता स्पोर्ट है गाइस, जो अभी कोरोना वायरस में कोविड-19 का जो भी चल रहा है, आपको पता है सब स्पोर्ट्स बंद है, फुटबॉल अभी चालू हो गया शायद से और एक आध कुछ चालू हो रहेगा, लेकिन वो अब भी चालू हुआ है रिसेंटली। लेकिन एमएमए गाइस यूएफसी जो है वो कोविड जब से चालू हुआ, 1-15 दिन बंद था, फिर 1 महीने से चल रहा है गाइस ये, तो उनका एफर्ट्स के वजह से हम लोग देख पा रहे, तो प्रॉपर उन लोग प्रिकॉशंस वगैरह ले रहे और वो हो रहा है एमएमए। तो यही है गाइस, मेरे को ये बोलना था कि बॉक्सिंग देखने के बाद में अगर एक बार आपने एमएमए देख लिया ना एक बार, तो आप लोग फिर से बॉक्सिंग में नहीं जा सकते, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है गाइस कि बॉक्सिंग बहुत मोनोटोनस है, सिर्फ पंचस 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 पंचस। तो गाइस मेरे को ऐसा, मेरे को थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा बोरिंग लगता है एज कम्पेयर टू एमएमए, क्योंकि एमएमए बहुत ज्यादा बोलते हैं ना गाइस की, और एमएमए में कट भी बहुत जल्दी हो जाता है बॉडी में, फेस में कट्स आते हैं ना हम लोगों, तो स्किन जो भी कट होता है वो एमएमए में बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जो एमएमए का ग्लव्स है ना गाइस वो बहुत ज्यादा पफी नहीं रहता गाइस, वो उसका मतलब बॉक्सिंग बहुत ज्यादा पफी रहता है, उसका स्पंज जो रहता है ना वो ठीक रहता गाइस, तो जल्दी कट नहीं होता बॉक्सिंग में, सिर्फ सूजता है आपका फेस जो भी है, बोन्स वगैरह जो भी है वो सूजन आ जाता है, कट होता है लेकिन बहुत रेयर केस में, इसमें गाइस बहुत जल्दी कट हो जाता है। और बहुत ज्यादा मतलब पागल हूँ मैं ये स्पोर्ट के लिए गाइस, तो आज का मेरा वीडियो इसलिए बना रहा था मैं, क्योंकि नेक्स्ट वीक से, यही वीक से गाइस सैटरडे संडे मैं सिर्फ एमएमए के बारे में बात करूंगा, एमएमए मतलब फॉर एग्जांपल एवरी संडे गाइस, एक आध संडे छोड़ छोड़ जाता रहेगा, लेकिन एवरी संडे यूएफसी का फाइट रहता है, जो कि सोनी 10-2 और सोनी 10-2 और सोनी 10-3 में होता है, और फिर एयरटेल एक्सट्रीम ऐप है तो उसमें भी आपको, आप फ्री में देख सकते हो, अगर आप रिचार्ज कर रहे हो तो उसमें फ्री में हो जाएगा। तो
तो मैं संडे को मैच देखूंगा गाइस, लेकिन उससे पहले पता चल जाता है 1-2 हफ्ते पहले कि फाइट का मतलब फाइट कार्ड में कौन कौन है, टाइटल फाइट क्या है, को मेन इवेंट कौन सा है। तो एक दिन पहले मैं सैटरडे को जब वीडियो बनाऊंगा UFC के ऊपर ही बनाऊंगा मैं, और देखेंगे अगर और कोई मेरे को इंटरेस्टिंग लगता है तो मैं उसके ऊपर ही बनाऊंगा। लेकिन सैटरडे संडे सिर्फ मैं फाइट्स के बारे में बात करूंगा, मोस्टली MMA के बारे में। बॉक्सिंग में अगर बहुत बड़ा इवेंट रहेगा जैसे कि टाइसन फ्यूरी और टाइसन फ्यूरी का एक मैच हुआ था, तो उस तरह का कोई लार्ज स्केल का मैच रहेगा तो मैं उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन मोस्टली मैं UFC MMA के बारे में ही बात करने वाला हूँ। संडे को मैच रहता है मोस्टली 6:30 7:30, तो मैच से पहले मैं बात करूंगा प्री एनालिसिस जो भी रहेगा फाइट के बारे में, मेरा जो भी मेरा मतलब नॉलेज है या फिर फाइटर के बारे में जो भी उसका हिस्ट्री हो मैं बताऊंगा सैटरडे को। और संडे को मैं खुद फाइट देखूंगा लाइव, उसके बाद में मैं दोपहर के बाद वीडियो बनाऊंगा आफ्टरनून के बाद, और मैं डिस्कस करूंगा जो भी मैचेस में हुआ था, जो भी मेरे को इंटरेस्टिंग लगा। राइट, तो सैटरडे संडे इसके बारे में रहेगा गाइस। और क्या पता मैं अपना माइंड चेंज भी कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए यही है। और यही था गाइस आज के लिए, और थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मेरा वीडियो लाइक करो गाइस और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को ताकि मैं और भी अच्छा कंटेंट बना सकूं। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए गाइस, थैंक यू सो मच।